एंडेज में आपका स्वागत। रही बात तो आज हम एनटीपीसी के एग्जाम की बात करेंगे, तो एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, रही बात तो जिनका हो गया है उनके वो भी देखें और जिनका नहीं हुआ वो भी देखें। तो आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, आरबी एनटीपीसी गूगल में डाल दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी डालने के बाद यहाँ पे एक ये दो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको टच करना है। इसको टच जैसे ही आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे हमने पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड किया है तो यहाँ पे रिप्लेस फाइल करके फिर से डाउनलोड करके आपको दिखा रहे थे, ये आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये स्क्रीन पे आपको खुल के मिलेगा। तो इसमें क्या है, तो एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ड्यू टू असेंबली यहाँ पे इलेक्शन सी के वजह से यहाँ पे दिया CBT1 शेड्यूल भी कैंसिल्ड और इन यहाँ पे असम स्टेट, उसके बाद आंस 27 मार्च इज कैंसिल्ड एंड द यहाँ पे अफेक्टेड कैंडिडेट भी यहाँ पे रिशेड्यूल्ड टू 6th फेज। तो जो अफेक्टेड कैंडिडेट उनको 6th फेज के लिए वहाँ पे कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे असम के एग्ज़ाम के लिए कुछ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके बाद इन SMS या ईमेल आईडी हैव बी सेंड, तो जो कि SMS वगैरह कैंडिडेट के मोबाइल या ईमेल आईडी पे भेजा जाए। और उसके बाद यह आफ्टर रिसीविंग नेसेसरी कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू दिस कैंडिडेट्स। यहाँ पे पूरा दिया हुआ कि नेक्स्ट डेट कब होगा ये सब, तो सब आपके मोबाइल या तब जगह भेज दिया जाएगा। तो आप ज़रा भी चिंता न करें, आपका जिनका हो गया है वो उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिनका नहीं हुआ है वहाँ पे RRB द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है कि कब NTPC का एग्ज़ाम होगा तथा उनके पे मोबाइल वो किसकी वजह से, तो यहाँ पर चुनाव के, तो आप इसको डाउनलोड कर पूरा देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। भगवान के लाइव कर दें, तुम मैं हूँ।